जिसने साइंस शब्द सुना होगा उसने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो जरूर सुना होगा। साइंस वर्ड उनके बिना अधूरा है। दुनिया के महान और अपने समय के सबसे टैलेंटेड साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को जर्मनी में पैदा हुए थे। वो फिजिक्स के ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंस को बदल देने वाली थ्योरीज दी थी। आइंस्टीन के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, पर आज हम उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ रोचक और कुछ दिलचस्प बातें और किस्से लाए हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। तो आइए जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़ी खास बातों को। दोस्तों, आइंस्टीन का जन्म जर्मनी के उल्म शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने पहले उनका नाम उनके दादा के नाम पर अब्राहम रखा था, लेकिन ये नाम कुछ ज्यादा ही यहूदी जैसा था, तब उन्होंने उनका नाम अल्बर्ट रख दिया। वैसे क्या आपको पता है कि आइंस्टाइन के जन्मदिन पर ही जीनियस डे भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि बचपन से ही आइंस्टीन का दिमाग काफी तेज था और बचपन से उनका दिमाग बाकी बच्चों के दिमाग से काफी बड़ा था। जब पहली बार उनके परिवार ने देखा था तो वह हैरान रह गए थे। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ ही अल्बर्ट का दिमाग भी सही शेप में ढलने लगा। वैसे दोस्तों, महान अल्बर्ट का बचपन से ही स्कूल की पढ़ाई में मन नहीं लगता था। आइंस्टीन को स्कूली शिक्षा से बहुत नफरत थी। स्कूल लाइफ में आइंस्टीन को बेवकूफ बच्चों में गिना जाता था। खासकर उनके टीचर्स उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो गणित और विज्ञान के अलावा हर सब्जेक्ट में फेल हो जाया करते थे। और तो टीचर की डांट का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। एक बार उनके गणित के प्रोफेसर ने उन्हें आलसी कुत्ता तक कह डाला था। वैसे ऐसी ही एक और कहानी है जो आइंस्टाइन से जुड़ी हुई है। असल में एक बार उन्होंने अपनी माँ को एक लेटर देते हुए कहा, माँ, अध्यापक ने ये लेटर आपको देने के लिए कहा है। उनकी माँ ने जैसे ही वो लेटर पढ़ा वो मनी मन मुस्कुराने लगी। माँ को मुस्कुराते हुए देख जब आइंस्टीन ने पूछा तो माँ ने बड़े प्यार से कहा कि इसमें लिखा है कि आपका बेटा क्लास में सबसे होशियार है। हमारे पास ऐसे अध्यापक नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करा दो। इतना सुनकर आइंस्टीन बहुत खुश हो गए, पूरी लगन के साथ पढ़ाई में जुट गए और बड़े होकर एक महान वैज्ञानिक बन गए। जब उनकी माँ का निधन हो गया तो एक दिन आइंस्टीन को अपनी माँ की अलमारी से वही पुराना खत मिला। आइंस्टीन ने वो पत्र खोला और पढ़ने लगे। इसमें लिखा था, आपको ये बताते हुए हमें बहुत दुख है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर है। जिस तरह से इसकी उम्र बढ़ रही है उस तरह से इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए, नहीं तो घर में इसे पढ़ाइए। दोस्तों, आइंस्टीन की खास बात थी, वो बड़ी बड़ी बातों को याद तो रख लेते थे, पर क्या आप जानते हैं, अक्सर वो छोटी छोटी बातें भूल जाया करते थे। वो तारीखें, फोन नंबर और कभी कभी तो अपना नाम तक भूल जाया करते थे। उनके भूलने का एक और रोचक किस्सा है दोस्तों। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ट्रेन में सफर कर रहे थे, जब टिकट चेकर उनके पास आया तो अपनी टिकट दिखाने के लिए अपना हाथ जेब में डाले। जब टिकट ना मिलने पर उन्होंने सूटकेस में चेक किया, वहां भी टिकट ना पाकर वो टिकट को अपनी सीट के आसपास खोजने लगे। ये देखकर टिकट चेकर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि तुम्हारा टिकट गुम हो गया हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि तुमने टिकट जरूर खरीदा होगा। टीटी जब बाकी के लोगों का टिकट चेक करके वापस जा रहा था तो उसने देखा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अभी भी अपनी सीट के नीचे अपना टिकट ढूंढ रहे हैं। टीटी ने फिर से कहा कि आपको टिकट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, आपसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। ये सुन सुनकर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, वो तो ठीक है, पर टिकट के बिना मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक बार तो अपने घर जाने का रास्ता ही भूल गए थे। हुआ ये कि एक बार जब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से घर वापस आते समय अपने घर का पता वो भूल ही गए। अब प्रिंसटन के अधिकतर लोग तो आइंस्टाइन को पहचानते थे, लेकिन वो जिस टैक्सी में बैठे थे उस टैक्सी का ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था। आइंस्टाइन ने ड्राइवर से कहा कि क्या तुम्हें आइंस्टाइन का पता मालूम है, तो ड्राइवर ने जवाब दिया, प्रिंसटन में भला कौन उनका पता नहीं जानेगा, अगर आप उनसे मिलना चाहते हो तो मैं आपको उनके घर तक पहुंचा सकता हूं। तब आइंस्टाइन ने अपने ड्राइवर को बताया कि वही अल्बर्ट आइंस्टाइन है और अपने घर का पता भूल गए। ये जानकर टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें उनको घर तक पहुंचाया और आइंस्टाइन के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी टैक्सी का भाड़ा नहीं लिया। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रेम के किस्सों की भी एक लंबी लिस्ट है। अपनी दूसरी पत्नी एल्सा के होते हुए भी उन्होंने अन्य 6 महिलाओं के साथ संबंध रखे। उनकी मृत्यु के 20 साल बाद उनकी सौतेली बेटी ने उनके 1500 पत्र प्रकाशित किए, जिनमें उनके लगभग 6 प्रेम संबंधों का खुलासा हुआ। आइंस्टीन की पॉपुलैरिटी और उनके टैलेंट के चलते महिलाएं उनकी ओर खूब आकर्षित होती थीं। एक बार जर्मनी की एक महिला जिसे वो एम कहते थे उनसे मिली और उनके प्रेम में डूब गई। उसने आइंस्टीन पर तोहफे की बौछार कर दी। वे कुछ समय जर्मनी में साथ रहे और फिर आइंस्टीन लंदन आ गए। वो भी उनके पीछे लंदन आ गई। उसके बाद आइंस्टीन अमेरिका चले गए, वो वहां भी पहुंच गई। उनकी ऐसी एक रूसी प्रेमिका भी थी जिसे वो जासूस कहते थे। उसने भी आइंस्टीन के पीछे लगभग आधी दुनिया का चक्कर लगा लिया था। आइंस्टीन को म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था। उनकी माँ वायलिन बजाया करती थी।
जिससे उन्हें अंदर से काफी सुकून मिलता था। एल्बर्ट ने एक बार ये तक कह दिया था कि अगर वे एक वैज्ञानिक न होते तो जरूर एक संगीतज्ञ होते। हालांकि वो बहुत अच्छे संगीतकार नहीं थे, कई बार तो थुरंदरों के बीच में बैठकर भी बेसुरा संगीत आत्मविश्वास के साथ वो बजाते थे और लोगों की ओर दाद देने के लिए देखते। बाकी लोग हंसते, लेकिन उनकी पत्नी हमेशा उनकी हौसला अफजाई करती। इसके अलावा उन्हें पक्षियों की आवाजें सुनना भी बहुत पसंद था। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन को विज्ञान के अलावा किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं थी। कहा जाता है कि सन 1952 में उनको इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर भी आया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वो राजनीति के लिए नहीं बल्कि विज्ञान के लिए बने। आज जिस समय की कल्पना करके इतनी सारी फिल्में बनी है, उस टाइम मशीन की कल्पना भी सबसे पहले आइंस्टीन ने की थी और इस विषय पर उन्होंने कई रिसर्च भी किए थे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की सभी खोजें विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि तब मिली जब उन्होंने सबसे प्रसिद्ध खोज रिलेटिविटी की थ्योरी यानी ईज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर की खोज की थी। जापान में गिरे बम इसी फॉर्मूले पर आधारित थे, जिसके बाद में आइंस्टीन को बहुत अफसोस हुआ कि उनके द्वारा दिए गए सूत्र का इस्तेमाल पूरी मानवता को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जिंदगी भर अपने इस गलत प्रयोग के विरुद्ध थे। वैसे आपको बता दें कि आइंस्टीन चाहते तो और भी जी सकते थे। उनके अंतिम समय में डॉक्टर्स ने उनका ऑपरेशन करना चाहा, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि आर्टिफिशियल तरीके से जीने में कोई मजा नहीं है, मुझे जितना जीना था मैंने जी लिया। दोस्तों, आइंस्टीन ने मरने से पहले अपने अंतिम क्षणों में उनके कमरे में मौजूद नर्स को जर्मन भाषा में कुछ कहा था, लेकिन उस नर्स को जर्मन भाषा समझ में नहीं आती थी, तो इसी के साथ आइंस्टीन के कहे अंतिम शब्द एक राज की तरह दफन हो गए।